पठान अभी जिंदा है। सो गाइस वेलकम टू 13th एडिशन ऑफ इंफिनिटी न्यूज, और इस इंफिनिटी न्यूज की शुरुआत करते हैं यहाँ पे पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, क्योंकि इसने वर्ल्ड वाइड, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक सिर्फ फ्राइडे तक, 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अपना 295 से लेके 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया है। और इंडिया में इसने अपने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन यहाँ पे वॉर, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, दंगल और इसके अलावा KGF जैसी आइकॉनिक मूवीज के यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ फोड़ के अलग थलग करके रख दिए। So guys, आपकी क्या prediction है पठान की मूवी के बारे में कि कहां ये अपना lifetime collection ये cross करेगी, क्या ये 500 करोड़ के पब्लू को cross कर पाएगी या फिर जो है इससे भी बढ़कर ये मूवी collection करने वाली है। तो craze for SRK is पठान is real, लेकिन कितना real वो जाने वाला है, कितना big वो hit करने वाला है, sky is the limit for this movie। लेकिन इसका एक spoiler video मैं बनाने वाला हूं जिसमें भर भर के चीजें आपको explain करूंगा, तो वो video कल आएगी, तो प्लीज यार उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन अब चलते हैं यहां पे अपनी मार्वल स्टूडियो की तरफ, क्योंकि न्यूज आ रही यहां पे जेफ स्नाइडर यानी कि इंडस्ट्री इनसाइडर की तरफ से फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए। अभी यहां पे रायन गॉसलिन को बताया जा रहा है कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर कैपेसिटी में यहां पे इन्वॉल्व होने वाले हैं, जो कि इस बात को कंफर्म कर देता है कि शायद से वो यहां पे हमें सेंट्री का रोल MCU में प्ले करते हुए नहीं आएंगे। लेकिन यहां पे ये भी नोट करने वाली बात ये है कि जेफ स्नाइडर ने बताया है कि यहां पे रीड रिचर्ड्स का रोल रायन गॉसलिन प्ले नहीं करेंगे, लेकिन प्रोबेबली अभी जो मार्वल की टॉप पिक जो है उनकी विश लिस्ट में जो चल रही है वो यहां पे है काइलो रेन के लिए, जो कि यहां पे रीड रिचर्ड्स का रोल प्ले करने के लिए अभी मार्वल के मेकर्स या फिर प्रोड्यूसर्स में बहुत ही ज्यादा हॉट प्रॉपर्टी चल रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं यहां पे इटर्नल्स मूवी के बारे में, क्योंकि इसने एक बहुत ही बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड यहां पे डिज्नी प्लस के ऊपर और वर्ल्ड वाइड मूवी स्ट्रीमिंग के ऊपर क्रिएट किया है, जहां पे इसका नाम यहां पे इटर्नल्स मूवी का टॉप 15 मोस्ट वॉच्ड मूवी ऑफ 2022 में है। और यहां पे जब मैं आपको इसकी व्यूअरशिप बताऊंगा ना, आप चौंक जाओगे, हिल जाओगे, क्योंकि किसी भी अच्छी से अच्छी मार्वल मूवी की इतनी खतरनाक रेटिंग 2022 में हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि डिज्नी प्लस पे इसको यहां पे 4.236 बिलियन व्यूअरशिप मिली है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि इटर्नल्स मूवी ने अपने प्रीमियर के साथ ही जब ये पहली बार आई थी डिज्नी प्लस पे, तो विद इन वन वीक इसने 2 मिलियन व्यूअर्स की जो व्यूअरशिप है वो डिज्नी प्लस पे यहां पे गार्नर की थी। भले ही ये मूवी पसंद ना आई हो फैंस को उतनी, लेकिन इसको जो रेस्पॉन्स है ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स पे वो भर भर कर मिला है। लेकिन अब चलते हैं मार्वल्स और लोकी के सीजन 2 के ट्रेलर के ऊपर, क्योंकि यार मार्वल इनसाइडर इंडिया की तरफ से है बताया जा रहा है कि यहां पे जो करंटली डबिंग है ना इन दोनों ट्रेलर्स की, वो यहां पे भेज दिया गया है डिफरेंट स्टूडियोज को अक्रॉस द कंट्रीज करने के लिए, और इसका प्रोसेस है जो जोरों से शोरों से चालू है, और आने वाले सुपर बोल इवेंट में हमें जो है इन दोनों ही मूवीज और सीरीज के ट्रेलर जो है देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में यह भी बताया जा रहा है कि यहां पे जो सीक्रेट इन्वेजन का और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का जो ट्रेलर है ना, वो हमें मार्च के मंथ में देखने को मिलेगा, जहां पे जो है एक हफ्ते का गैप इन दोनों ट्रेलर्स के बीच में रखा जाएगा। पहले एक ट्रेलर रिलीज करेगी और एक हफ्ते बाद जो है दूसरा ट्रेलर रिलीज करेगी। प्रॉब्ली शायद से सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर जो है अर्ली मार्च में हमें देखने को मिलेगा, और शायद से मिड या फिर एंडिंग मार्च के होते होते हमें गार्डियंस गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का जो है ट्रेलर 2 यानी कि फाइनल ट्रेलर देखने को मिल सकता है। सो गाइस एक्साइटिंग डेज अहेड फॉर दी मार्वल स्टूडियोज की नई अनाउंसमेंट और DC की भी नई अनाउंसमेंट आने वाली है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट यहां पे चलते हैं क्लोई बेनेट के ऊपर, जिनके ऊपर एक ट्रोल वाला कमेंट जो है इंडस्ट्री इनसाइडर चार्ल्स मर्फी ने किया कि वो यहां पे जो है करंटली जो MCU में उनका रिटर्न है ना, वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बड़े-बड़े हाई कैलिबर एक्टर जैसे एमिलिया क्लार्क होगी या फिर सैमुअल एल जैक्सन हो गए या फिर और भी बड़े मार्वल के सुपरस्टार्स हैं, उनके साथ वो काम करने के लिए काबिल नहीं है, जिसके ऊपर वो इस जाल में फंस गई, इस ट्रोल के चक्कर में यहां पे क्लोई बेनेट फंस गई। और उन्होंने यहां पे रिप्लाई करते हुए ये इशारा किया है कि पॉसिबली वो MCU में एज ए क्विक जो है वो वापस आ सकती है। उन्होंने ये कहा कि यहां पे यार देखो तुम्हारा ट्वीट जो है मीन है और किसी भी तरीके से तुम जो है ये सारी बातें कहना डिजर्व नहीं करते हो, और तुम्हारे ट्वीट जो है आने वाले वक्त में यहां पे एज वेल नहीं करेंगे, जिसका मतलब कि वो पॉसिबली शायद से हमें या तो सीक्रेट इन्वेजन या फिर मार्वल की किसी और बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ही जल्द नजर आने वाली है। सो गाइस क्या आपने एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 7 तक देखा है, और अगर आपने क्विक को पर्टिकुलरली फॉलो किया, क्या आप चाहते हो वो यहां पे MCU में वापस आए, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स पिन डाउन कर दो। तो चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब यहां पे बढ़ते हैं अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि अवतार द वे ऑफ वाटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिगार्डिंग, क्योंकि यहां पे इसने टेक ओवर कर
कर लिया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, जो कि था 2.052 बिलियन US डॉलर्स का। और अब यहाँ पे जो है अवतार ने इसकी जगह ले ली है, जहाँ पे इसने अभी तक जो है अवतार 2 ने 2.056 बिलियन डॉलर्स का वॉपिंग बिजनेस किया है। और इस तरीके से ये बजाती है 5th highest grossing मूवी ऑफ ऑल टाइम इन द वर्ल्ड सिनेमा ऑफ हॉलीवुड। और साथ ही में इसके अगर डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करी जाए तो इसने डोमेस्टिक से 604 मिलियन US डॉलर्स कमाए हैं, और साथ ही में इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबली चाइना को मिलाकर, इंडिया को मिलाकर अभी इंटरनेशनली 1.451 बिलियन डॉलर्स का वॉपिंग बिजनेस अभी तक किया है, जिसका टोटल यहाँ पे 2 बिलियन के पार चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे इसके सामने है यहाँ पे स्टार वॉर्स की फोर्स अवेकन्स, एवेंजर्स द एंड गेम, और उसके अलावा अवतार और टाइटैनिक जैसी बड़ी मूवीज। तो क्या यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 2 बिलियन या फिर 3 बिलियन के पार जो है नंबर 1 मूवी यहाँ पे बन सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन्फिनिटी न्यूज का आज का शॉर्ट एपिसोड 13। तो अगर आपको ये सारी अपडेट्स पसंद आई हो और क्या आप यहाँ पे डीसी की आने वाली एक्साइटमेंट और पठान की इन सारी कलेक्शंस को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मुझे जरूर बताइएगा। यार इस वीडियो को लाइक करके जो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूं अमर और आप देखते थे इन्फिनिटी न्यूज का 13th एडिशन ओनली ऑन सुपर।